जाइए सावधान, घूम रहे हैं परीक्षा के दलाल। दस सूत्र करने जा रहा है एक सनसनीखेज खुलासा। खुलासा है भर्ती परीक्षाओं में पैसे लेकर पास करने के दावे का। जी हां, मध्य प्रदेश में जब से पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप लगे, तभी से दस सूत्र के संवाददाता संजय गुप्ता और ज्ञानेंद्र पटेल इस बात की पड़ताल में जुटे थे कि क्या वाकई में ऐसे दलाल सक्रिय हैं जो भर्ती परीक्षाओं में पास करवाने के नाम पर युवाओं से ठगी कर रहे हैं। दस सूत्र के विशेष संवाददाता संजय गुप्ता और ज्ञानेंद्र पटेल ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कई छात्रों से संपर्क किया गया। छात्रों से संपर्क के दौरान दस सूत्र के संवाददाताओं को मिले कुछ मैसेजेस। ये मैसेज 5 मार्च को छात्रों के पास आए थे। इन मैसेज में 15 लाख रुपए में पटवारी की परीक्षा पास करवाने का दावा किया गया था। पटवारी भर्ती परीक्षा 15 मार्च से शुरू हुई थी, यानी दलालों ने छात्रों को 10 दिन पहले ही मैसेज भेजना शुरू कर दिया था। इसी बीच दसूत्र संवाददाता ज्ञानेंद्र पटेल के संपर्क में एक दलाल का नाम और नंबर आया, जो इसी अगस्त के महीने में होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए डील करने के लिए तैयार था। इस दलाल से 3-4 दिन तक फोन पर लंबी बातचीत हुई। जब दलाल को भरोसा हुआ तो उसने सौदा फाइनल करने के लिए एक जगह बुलाया। दलाल ने खुद का नाम बताया, स्वदीप सिंह। स्वदीप सिंह के साथ लंबी बैठक हुई। उसी दौरान दस सूत्र संवाददाता ने अपने करीबी मित्रों को उम्मीदवार बताकर उससे मिलवाया और बातचीत की। इस दौरान दलाल ने किस तरह की बात की वो आपको सुनाते हैं। बातचीत के दौरान इस दलाल ने कई बड़े बड़े दावे किए। सबसे बड़ा दावा तो ये किया कि पटवारी परीक्षा में उसने 5 सीटों की डील 10 लाख रुपए से लेकर 22 लाख रुपए में की थी और 4 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का उसने दावा किया। राजस्व विभाग की भैया, वो पोस्ट राजस्व विभाग की है। शाम की गाड़ी की 5,000 पैसे मिलते। अब दस सूत्र ने इस दलाल से पूछा कि पास कैसे करवाया, तो उसने इसका भी खुलासा किया। दलाल ने यह भी खुलासा किया कि पटवारी परीक्षा में सारा खेल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में हुआ है। अभी जैसे आपने पटवारी में कराया, 5 लोगों का पेमेंट लिया आपने, इसमें से 4 का आपने करवा दिया, उनकी पोस्टिंग हो गई क्या? अभी रिजल्ट आया होगा। रिजल्ट आया है। और ये जो 5वां जो लिस्ट कैंसिल हो गया, उसका क्या? उसका पेमेंट रिफंड हो गया। एक हमने उसको 10 से 15 दिन बोला था, 4वें दिन उसका पेमेंट चला गया। इसका कहीं नहीं हो पाया। विजय नंबर से कम थे ना, उसके 100 नंबर थे, मतलब 98 थे। अब 98 में कैसे कितने क्या करो, 20-25% होता है बस, इससे ज्यादा नहीं। इतना कैसे करो उससे दलाल ने यह भी कहा कि सारा खेल किसी परीक्षा सेंटर से नहीं बल्कि कर्मचारी चयन मंडल यानी व्यापम से ही चलता है। परीक्षा तो उतना ही दे रहे हैं ना, सेंटर में जाके तो क्या हो, वही कर रहे तो क्या हो, उससे नंबर तो वही बनेंगे। नंबर वहाँ नहीं बनते हैं, नंबर जो होता है ना सारा काम वो होता है ESDB में, है ना, यानी व्यापम में होता है अंदर, वहां से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अभी जो सेंटर कैसे ओपन हो गए, लोग मीडिया में कैसे आ गए, इतने सारे एक ही जगह से सिलेक्शन हुए इसलिए ओपन हो गए। तो जेल को कहां से पता पड़ा मीडिया वालों को? अरे भाई रिजल्ट लाता है, सब देखते हैं यार। उसमें सेंटर भी लिखा रहता है क्या? अरे यार आपके इसमें सब लिखा रहता है, आपका रोल नंबर रहता है। नहीं, उस प्रवेश पत्र में तो लिखा रहता है रोल नंबर में। अरे उसमें भी आपका रोल नंबर रहता है, उसमें सारी जानकारी निकल आती है। ये ना हो बदनाम सेंटर नहीं मिल जाए आपको, यहाँ आसपास का सेंटर दिला दे। आपको कोई लेने देना थोड़ी है, आपको तो भाई देखो आपको अपने सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए बस। बात किसी सेंटर उन्टर से आपको कोई, कि सेंटर से कुछ नहीं होता है। प्रायोरिटी तो इंदौर भरी है, नहीं मिलेगा इंदौर में होता ही नहीं, मतलब जाएंगे तो वही ना सेटिंग होगी, इंदौर में नहीं होगा बस। ये चीज दलाल दस सूत्र से 12 अगस्त से होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए डील करने आया था। उसने बताया कि 7,000 में से 3,900 सीटें सोल्ड हो चुकी है। उसके पास 2 सीटें हैं जिसका उसने 15 लाख में सौदा किया और पेमेंट का हिसाब किताब भी बताया। मान लेता हूँ मैं सर, आपको क्या नाम बताया आपने? स्वदीप से। स्वदीप जी, मैं आपको थोड़ा देर के लिए मान के चलो, मैंने आपको 15 लाख की व्यवस्था करके दे दी। 15 भी चाहिए नहीं मुझे। अच्छा 30%, फिर आपका जो मैं नंबर बता दूंगा, जो नंबर बताया, फिर 30% रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, रिमेनिंग पेमेंट।
यानी 50% आपने अभी दिया, 50% आप सिलेक्शन के बाद दे रहे हो। तो देखो मैं आपसे 15 पहले ले रहा हूँ, तो 15 दो मुझे डॉक्यूमेंट दिया, 30% दिया, ठीक है ना, फाइल अंदर गई आपकी। अब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम दिया आपने, आपके नंबर उतने आए है ना, अगर उसमें जा रहे हो तो आप अंदर हो, नहीं तो बाहर हो। अगर आप बोल रहे हो कि भैया मुझे इसमें जाना है तो कोई समस्या नहीं, जब आपको नंबर बताऊं तो बच्चे का पेमेंट का 30% देना। ऐसा किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। इसका मोर क्या होगा पेमेंट लेने का आपका? 30 और नहीं, जैसे 30% आपने बोला कि आपका अकाउंट में दे दूंगा, चलेगा? इसके बाद दस सूत्र की टीम ने उससे पूछा कि क्या मनपसंद का सेंटर मिलेगा, तो उसने इसका भी हिसाब किताब गिना दिया कि सेंटर फिक्स होता है। आप हमारी बात समझो, वो ठीक है अपनी जगह है, जिस सेंटर से बदनाम होते हैं ना तो अंदर दुदुकी होती है। अभी जो हमारे मित्र उन्होंने पटवारी गई है, बोले यार हम ग्वालियर में तो हमने भी दी थी यार, ये ग्वालियर, अच्छा सेंटर को ग्वालियर मत देना, ग्वालियर के सेंटर बड़े बदनाम। वो क्या होता है, कुछ जिले ऐसे जहाँ पर कुछ होते हैं, जैसे आगरमालवा हो गया, सागर हो गया है ना, ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, कुछ भी नहीं होता, इसलिए वहाँ वो सेंटर वही दिए जाते हैं। आपको इंदौर में दे सकते हैं, इंदौर में होता है, इंदौर में नहीं दे सकते हाँ। कुछ उनके फिक्स हैं, वो आप ये सोचो कि मुझे यहाँ नहीं ये मिल जाए, वो कोई नहीं करेगा, मुझे ये नहीं ये दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको दिया जाएगा भाई जहाँ पर भी, भाई आगरमालवा, सागर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, जो सेंटर हैं जहाँ सेटिंग चल रही है, वो तो सभी जगह है ना, पर क्या है कि जहाँ के भाई सारे के सारों को निकालना है बस। हाँ तो जिनको निकालना उनको एक सेंटर में भेज दो। दलाल से दस सूत्र की टीम ने पूछा कि पैसे तो दे देंगे, लेकिन जैसा विवाद पटवारी भर्ती परीक्षा में हुआ वैसा तो नहीं होगा। तो दलाल ने कहा कि सरकार कर्ज में डूबी है, चुनाव का मौका है और सभी को पैसा लगता है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। यानी दलाल ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भर्ती परीक्षा की डील की। दस सूत्र ने इस दलाल से बात की और उसने जो खुलासे किए हैं उसे दिखाने का दस सूत्र का मकसद केवल इतना है कि बाजार में जो दलाल घूम रहे हैं वो बेनकाब हो, सिस्टम की इन गंदी मछलियों को बाहर किया जाए और युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो। इस स्टिंग ऑपरेशन में दलाल के किए किसी भी दावे की दस सूत्र पुष्टि नहीं करता है, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। दस सूत्र सावधान कर रहा है युवाओं को, अभ्यर्थियों को और सरकार में बैठे नुमाइंदों को कि वो सतर्क हो जाएं, अपने सिस्टम को सतर्क करें, ताकि ऐसे दलालों से युवाओं को बचाया जा सके, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके।